लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। घर पर नहीं, आज भी अशोक नाश्ते के लिए नहीं आया। कहाँ है वो? तो खुदा ही कहीं चले गए हैं। बिना नाश्ता किए हुए? जी, आजकल नाश्ता उन्होंने सुबह 4 बजे ही करना शुरू कर दिया है। और रात का खाना कब खाता है? दिन के 3 बजे। उफ, तंग कर दिया है इस अशोक के बच्चे ने। चाचा जी, कुछ समझ में नहीं आता क्या किया। और अलोक, तुम समझ भी नहीं सकोगे, इसकी जिम्मेदारी तुम पर आती है। तुम उसके बड़े भाई हो, बजाय डांटने के उसकी बेहूदियां छिपाते रहते हो। हेलो हेलो, ओ हेलो हेलो हेलो, मैं अभी आ रहा हूं। बहू, मैं जा रहा हूं, अशोक आ जाए तो उसे जाने मत देना। 4 दिन से बच रहा है, सूरत नहीं दिखाई। तुमने खुद ही ने तबाह किया है और खुद ही पछता रहे। दोनों ही भाइयों को तबाह किया है, आपको भी और अशोक को भी। अशोक! ओ भैया, आप इधर ही हैं? मैं अभी के पास आ रहा था। अरे ये क्या हो रहा है, क्या बात? आशीर्वाद दीजिए भैया कि आपके कदमों पे चल सकूं, आप जैसे बन सकूं। आज मेरा जन्मदिन है भैया। अरे आज तुम्हारा जन्मदिन है? कितनी बड़ी भूल हो गई, घर में कोई इंतजाम ही। लेकिन गधा, तू सुबह से कहां गायब हो गया? मैं जरा दोस्तों से पीछा छुड़ा रहा था। आप तो जानते ही हैं कि जेब के हालत कुछ। नॉनसेंस, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? ये लो 100 रुपए और जाओ, दोस्तों का मुंह मीठा करा। थैंक यू भैया। उधर कहां जा रहा है? चाचा जी से भी जरा मिल लूं, उनसे भी आशीर्वाद ले लूं। आशीर्वाद दे, और रुपए चाहिए ना? ये लो 100 रुपए चाचा जी की तरफ, एंड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भैया, थैंक यू। जल्दी जल्दी मैं अपना ब्रीफकेस ही लेना भूल गया। अशोक आया था क्या? जी हाँ आया। तो फिर उसे जाने क्यों दिया? चाचू जी, आज तो बाल बाल बच गए, आज उसका जन्मदिन है। जन्मदिन? जी हाँ, मैंने उसे 100 रुपए अपनी तरफ से दे दिए और 100 रुपए आपकी तरफ से दे दिए। अनूप, यू आर सिंपली एन इडियट। अभी 4 दिन हुए जन्मदिन का बहाना करके मुझसे 200 रुपए ले गया और आज तक मुंह नहीं दिखाया। वही पुराना मजाक आज भी है, कल भी था और शायद 100 साल तक होता रहेगा। कौन? अशोक, सीधा घर चला। देखिए भैया, गुस्से की क्या बात है? मैं भैया नहीं, तेरे भैया का बाप बोल रहा हूं। चाचा जी, अशोक सीधा घर चला। आप कैलेंडर देख लीजिए, तारीख देख लीजिए। मैं कहता हूँ चला, वरना जान से मार डालूंगा। चाचा जी, आज तो राजा महाराजाओं तक से मजाक किया जाता है। टुडे इज 1st अप्रैल, मतलब अप्रैल फूल। व्हाट? अप्रैल फूल? No!
माफ कीजिएगा चाचा जी, तस्वीर में भी वही गुस्सा है, वही बिगड़े हुए तेवर है। सुनिए चाचा जी, शायर कहता है, तस्वीर में भी है वही बिगड़े हुए तेवर, आंखों में मुरव्वत का कहीं नाम नहीं है, और तुझको भी भटकने के सिवा काम नहीं। अरे माटा, क्या बजा है? जी एक, लेकिन चाचा जी ये घड़ी 3-4 घंटे तेज मालूम होती है। बिल्कुल ठीक है, ये घड़ी शरीफों का आने का यही वक्त है। जी नहीं, आपके डर की वजह से शरीफ बना हुआ मैं 2 घंटे से बाहर बैठा हुआ था। बाहर बैठा हुआ था? जी हाँ। क्यों बाहर बैठा हुआ था? जी मैंने सोचा था कि आप सो जाएं तो मैं घर में आ जाऊं, लेकिन चाचा जी आप अब तक जाग रहे हैं, आपकी सेहत खराब हो जाएगी चाचा जी। खामोश हो जा, तंग कर दिया है तुमने। LLB पास किया और एक दिन कोर्ट नहीं गया। जी वहां झूठ बोलना पड़ता है। एयर पायलट का लाइसेंस किया, उस नौकरी से भी इनकार कर दिया। आखिर तू करना क्या चाहता है? आप नाराज ना हो तो एक बात कहूं। कहो। कहूं? कहो। आप इतनी जोर से कहो कहते हैं कि मुझसे कहा नहीं जाता चाचा जी। अच्छा मैं प्यार से कहता हूं, कहो कहो। मैं एक बोट बनाना चाहता हूं, और कोलंबस की तरह उस बोट से एक नई दुनिया दरियाफ्त करना चाहता हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि तू जिंदगी में कुछ काम करेगा ही नहीं, बेकार पड़ा पड़ा खैरात के टुकड़े खाता रहेगा। खैरात के टुकड़े? हाँ हाँ, खैरात के टुकड़े। लड़का बड़ा होकर जब तक कुछ काम ना कर ले, बाप की दौलत उसके लिए खैरात ही समझी जाती है। अगर भाई साहब मरहूम ये लाखों की खैरात छोड़कर ना मरते, तो आज तुझे कुछ करना पड़ता। हो सकता है इसी खैरात ने और आपके लाड प्यार ने मुझे तबाह कर दिया हो चाचा जी। आज से मैं ये खैरात लेने के लिए तैयार नहीं, मैं अभी ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। अशोक, मुझे समझने की कोशिश करो। मैंने अपने आप को अच्छी तरह समझ लिया चाचा जी। लड़कों की जिंदगी में ऐसा वक्त जरूर आना चाहिए जब वो बुजुर्गों की मोहब्बत से दूर रहे, घर से अलग रहे और अपनी जिम्मेदारी खुद महसूस करें। अशोक, your attention please, calling Mr. Lal. Mr. Lal, passenger from IC1 flight 108 from Colombo, please come to the inquiry counter. Thank you. Salam sahab, aapke liye Mr. Verma ne gaadi bheji hai. Oh, acha, chalo. तुम ऐसा करो, गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता। हेलो वर्मा जी, आपने मेरे लिए गाड़ी भेजी है? नहीं, गाड़ी का इंतजाम हो चुका है। Thank you.
ए मिस्टर, वो मेरे अरे किसी घर भाग रहा है, जल्दी उस गाड़ी के पीछे करो। अच्छा साहब, प्लीज धरिए आप। चलो इधर। Give me that. Thank you. बाकी दुआ मांग लो। कमाल है, वो बदमाश मेरे अटैच केस लगेगी और आप सफे हैं। वो तुम्हारा एंटीजी केस लेकर गया, मेरे वाला नहीं ले गया। अजी मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा सब कुछ उसी में था। घबराओ नहीं, तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने देश की कितनी सेवा की। ये लो मेरा कार्ड, ऑफिस में मिलो मुझे। अब उनका पीछा करूं? नहीं नहीं जाने दो। दीदी खुशखबरी सुनाने आ रही थी, जय भी आ रहे हैं। ये तार आया है, देखो। क्या तार में ये भी लिखा है कि तुम बत्तख की तरह उछलती कूदती आओ, दीदी से टकराओ, खुद भी गिराओ और दीदी को भी गिराओ। माफ करना दीदी, मुझ में जरा जोश और जिंदगी ज्यादा है। जरूरत से ज्यादा तनु। तनु, लड़कियों को संभल कर चलने की जरूरत है। भागते हुए कदम कभी मजबूत नहीं पड़ा करते, बल्कि आहिस्ता कदम मजबूत हुआ करते। मगर दीदी, लोग तो कहा करते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। ये जिंदगी और ये जिंदा दिली आजकल की लड़कियों को मुबारक हो। गैर मर्दों के सामने तंग लिबास पहने हुए इस स्टाइल से गुजरती हूँ कि देखने वाले का सांस रुकने लगता है। गैर मर्दों की तरफ इस तरह मुस्कुराकर बिजली गिराती है जैसे सभी में इंटरेस्टेड है। क्या ये हमारी हिंदुस्तानी तहजीब है? ओह दीदी, मैं सच कहती हूँ, जमाना बिल्कुल बदल चुका है। लड़की अगर इतनी तेजी ना दिखाए ना तो फ्यूचर हस्बैंड मिलना मुश्किल हो जाता है। इस जल्दबाजी में फ्यूचर हस्बैंड नहीं, चीप स्ट्रीट रोमियोस मिल जाते हैं। और मैं ये देख रही हूँ कि तू भी इस गलत रास्ते पे चल रही है। इतनी सी बात पर तुमने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया। इतनी सी बात? ये तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। जा, मुझसे बहस मत कर। देखा तुमने माँ, 2 साल बड़ी है ना, तो जब जैसे जी में आता है डांटती रहती है। तनु, नाराज हो गई क्या? तनु, देख तू रो मत, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो फिर पहले प्यार करो। इस तरफ भी नहीं तो दूसरा गाल प्यासा रह जाता है। पगली कहीं की। देखा तुमने माँ, जरा सी बात पर नाराज हो जाती और फिर मनाने के लिए मुझे तुम्हारी तरफ प्यार करना पड़ता है। मधु तनु, क्या बातें हो रही थी माँ? माँ बात कहाँ करती है दादी, अगर जिंदा होती तो कम से कम उनकी सेवा करके अपने दिल के अरमान को पूरे कर लेते हैं। तो इसमें उदास होने की क्या बात है? तुम्हारी दूसरी माँ जो थी। दूसरी माँ? तुम्हें नहीं मालूम? आओ मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊं। ये है हम सब की माँ। इस माँ की सेवा करोगी तो उस माँ की आत्मा को भी शांति मिलेगी और फिर दुनिया में जितनी भी माएं सबकी दुआएं तुम्हारे साथ होंगी। मधु, ये बहुत जरूरी कागजात हैं, इसे संभाल कर सेफ में रख दो। अच्छा दादी। और सुनो, अशोक आया था? अशोक कौन दीदी? अच्छा अच्छा, वो जो दीदी को देखने आने वाले थे। कहाँ डैडी, आपने भी अच्छा लड़का ढूंढा है दीदी के लिए। इतने दिन हो गए ना अपनी शक्ल दिखाई और ना ही दीदी को देखने आया। देखे ना, दीदी बेचारी इंतजार में सूखकर काटा हो गई है।
बनो। कितनी बार कह चुकी हूँ कि बड़ों की बातों में नहीं बोला करती। चलो अपने कमरे में। देखा दीदी, ये हमेशा ऐसी डांटती रहती है। बहुत अच्छा करती। चला। गुड मॉर्निंग अशोक। अशोक, नौकरी देने से पहले मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। कहिए। क्या तुम बता सकते हो कि वो कौन सी चीज है जो तुम इस देश में खींच लाए? परेशानी और घबराहट में आदमी को शायद अपना घर बहुत याद आता है। ये मेरे माँ बाप का वतन है। मेरा ख्याल है कि इसकी मोहब्बत मुझे यहां खींच लाई है। वेरी गुड। वेलकम टू योर मदरलैंड। थैंक यू सर। जरा पीठ दबा दे। पैर भी दबा। ए वोट क्या नखरा कर रहा है? कारखाने में अंपाला पैगाड़ नखरा करता है, एक कटारे घर पे लाए तो वो भी नखरा करने लगा। आई एम सॉरी दोस्त, मैं ख्वाब देख रहा था कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं और 50 नौकर मेरे पास खड़े हैं। वो तो बड़े घराने की मगर बात कराए हो मिस्टर, ये जिंदगी तुमसे निप नहीं सकती। नहीं दोस्त, मैं अपनी रोटी खुद कमाकर खाना चाहता हूं। इस तरह 10 बजे तक सोते रहोगे? बाप रे, 10 बज गए। सर, आपने मुझे बुलाया है। ओ अशोक, हाँ क्या कर रहे थे तुम? जी वो पुराने फाइल्स चेक कर रहा था। जरा मेरी गाड़ी घर ले जाओ, बच्चों को पिकनिक पे जाना है। जी मैं तुम्हें अपना बच्चा समझता हूँ, इसलिए दिखाई दे रहा। जी कोई बात नहीं, बाप की जिंदगी में बच्चों को खुश रखना नेहद जरूरी होता है। जी जी क्या, जब शादी करोगे बाप बनोगे तब मालूम पड़ेगा। अच्छा सर मैं जा रहा हूँ। अरे चाबी। जी हाँ। नहीं नहीं नहीं, तुम पिकनिक पर हरगिज नहीं जाओगे। लेकिन दीदी वो सब मेरा इंतजार कर रही हैं। इंतजार कर रही। जिंदगी में सब्र एक ऐसा खजाना है जिसे कोई नहीं चुरा सकता। ठंडा पानी पीने को दिल चाह रहा हो, हरगिज मत पियो। पिकनिक पर जाने को दिल चाह रहा हो, टाल जाओ। मगर दीदी बड़ी इंसल्ट होगी उन लोगों के सामने। इंसल्ट हो जाएगी, आपकी हर बात पर इंसल्ट हो जाती है। बस एक मर्तबा ये इंसल्ट बर्दाश्त कर लीजिए और फिर गलती कभी नहीं होगी आपसे। दीदी ये सिपाही के लिए कह दो ना। नहीं आज भी नहीं। हम सत्याग्रह कर देंगे। अरे सत्याग्रह करो या भूख हड़ताल, दीदी टस से मस नहीं होने वाली। दीदी है या दादी? दीदी कम दादी ज्यादा। बीबी जी अशोक साहब आए। अरे तो मैं क्या करूं? अशोक साहब आए। अशोक साहब आए। अच्छा अच्छा तू जा। अच्छा काम बन गया अपना, तुम लोग सब छुप जाओ। मगर क्यों? अरे छुप जाओ ना, टेली ऑफिस कमा। अंदर आइए। जी 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 आप मुझे जानती हैं? मुझे सब कुछ मालूम है आपके बारे में। जी जी बैठे ना। आप? मैं नहीं, वो मेरी दीदी है। दीदी? आपकी नहीं मेरी, आपकी तो। अरे आप बैठिए, मैं अभी भेजती हूँ दीदी को। हाँ दीदी। अरे ये क्या बदतमीजी है? अरे वो तुम्हारी तबीयत सिखाने वाले आ गए हैं। कौन? अशोक बाबू, हमारे होने वाले जीजा जी। जीजा जी? ओहो तुम्हारे नहीं बाबा, मेरे। तुम्हारे तो आ आ आ वो आ गए। अरे दीदी ये तुम्हें क्या हो गया? मैं जाने क्यों, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, देखो तो। अरे बाप रे, तुम्हारा दिल तो जोर जोर से धड़क रहा है। अब क्या होगा?
अरे घबराती क्यों हो? मोहब्बत की किताबों में लिखा है कि ऐसे मौकों पर न घबराने की जरूरत है और न शर्माने की। दिल पर काबू रखकर, आंखों में आंखें डालकर, जो जी में आए कह डालने की जरूरत है। चलो चलो अब देखो। आप बैठिए। कराया आपने? जी गाड़ी रास्ते में पंक्चर हो गई थी। ओफो, तब तो आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। बिल्कुल नहीं। क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। लेकिन आप इतने घबराए हुए क्यों? आपको देखकर। मुझे देखकर? मैं सच कहता हूँ, आप जैसी खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी। जी अपनी चीज सबको ही अच्छी लगती है। जी आपके पिताजी ने गाड़ी भेजी है। जी नहीं। जी हाँ, ये देखिए चाबी। जी नहीं, गाड़ी के बहाने आपको भेजा है। हाँ? इतना भी नहीं समझते? बड़े भोले हैं आप। जी आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल वही बातें, वही आवाज, वही अंदाज, जैसे तस्वीर को किसी ने जिंदगी दे दी हो। तस्वीर? हाँ, एक तस्वीर जिसे मैं रात दिन अपने ख्वाबों में देखा करती थी। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप समझने की कोशिश ही क्यों कर रहे हैं? चलिए मेरे साथ। कहाँ? जहाँ मैं ले जाऊँ। हाँ? जहाँ मेरा दिल ले जाए। चलिए आइए ना। खामोश रहे तो कली मालूम होता है, मुस्कुरा उठे तो फूल बन जाता है। ये मत वाली आंखें लहरा के डूब जाने का संदेशा दे रही है। गाड़ी के बहाने आपको भेजा है, इतना भी नहीं समझते? बड़े भोले हैं आप। मैं तुम्हें अपना बच्चा समझ पास नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर लाल ने मुझे पसंद किया है।
चाचा जी सच कहते थे, मैं बिल्कुल गधा हूँ जी। अब बहुत खूबसूरत है। शराबी लगे फूल जो भी खिले वो गुलाब।
भी उठे बोल जीवन में एक आग सी भर गई मुझको क्या हो गया है खुदा जाने एक बिजली गिरी और मैं मर गई मुझको क्या हो गया है खुदा जाने उनकी पहली नजर क्या असर कर गई मुझको क्या हो गया है खुदा जाने एक बिजली पहली नजर क्या असर कर गई ना दिल चाह रहा है और ना अल्फाज मिल रहे हैं समझ में नहीं आता कि घर जाने की इजाजत कैसे लूं देखिए अभी इतनी जल्दी क्या है चलिए किसी रेस्टोरेंट में जाके चाय पिए जी नहीं काफी देर हो चुकी है और बाबूजी क्या सोचेंगे रही चाय की दावत वो संडे को आपके बंगले पर आकर पीऊंगी ठीक है बंगला आपको मेरा बंगला मालूम है जी हाँ चार रायसीना रोड आपको कैसे मालूम है कमाल की बात पूछ रही हूँ जब आपके पिताजी शादी की बात तय करने आए थे तब वहीं तो ठहरे थे वो ये तो मुझे अपना मंगेतर समझ रही है क्या सोच रहे हैं चलिए कहाँ आइए आपको आपके बंगले पर छोड़ी देती हूँ मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है बातें तो सारी जिंदगी करते रहेंगे अब चलिए भी बहुत देर हो रही है देखिए आप मुझे गलत समझ रही हैं मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है मैं सब समझती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं यही ना कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ जब से मिले हैं चार बार कह चुके हैं यही तो मुसीबत है आप बहुत खूबसूरत हैं और आप वाकई बहुत बातें बनाते हैं चलिए लेकिन सुनिए तो सुनूंगी लेकिन संडे को आइए अनु आज मैं बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ अरे तो खुश होने का मतलब ये तो नहीं हुआ कि बत्तख की तरह उछलती कूदती आओ छोटी बहन से टकरा खुद भी गिरो और उसे भी गिराओ और तनु बदतमीजी नहीं करते अच्छा जी यही तो मुसीबत है आप बहुत खूबसूरत हैं सोच क्या रहा है अपनी मैकेनिक का नाम लेके पान पर आग में लेकिन मैकेनिक साहब लेकिन क्या ये तो बता मैं कौन सा है इंपाला पैकार्ड कैडिलैक एक खूबसूरत सी फियाट है फियाट मॉडल कौन सा 61 62 63 लेटेस्ट 64 मॉडल टिप टप कंडीशन दिल के शोरूम में रखने के काबिल तो देर किस बात की रख ले अपने दिल की गैरेज में लेकिन दूसरे के नाम पर रजिस्टर्ड है अबे डरता है क्यों तेरे नाम पे ट्रांसफर करवा देंगे मुसीबत यह है कि वो मुझे अपना मंगेतर समझ रही है मैं ये गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूँ फिर तो बेटा जिंदगी में गलत ही गलत रह जाएगा फेमी हाथ से निकल जाएगी अब देर मत कर कोई तकलीफ सोच के माली साहब ये बंगला किसका है ये बंगला सेठ प्रभु दयाल जी का है मगर एक साल से रहते हैं सेना जी सेठ प्रभु दयाल जी का कोई लड़का बड़का नहीं है तो हजूर मगर यहाँ नहीं सुना है शिमला कॉलेज में पढ़ते हैं तुम यहाँ कितने साल से हो हम तो सिन्हा साहब के साथ ही आए हैं हजूर जब भी नहीं पहचाना मुझे जाओ मिस्टर सिन्हा से जाके कह दो सेठ प्रभु दयाल जी के लड़के आए हुए हैं मिलना चाहते हैं हजूर वो तो काम पर गए हुए मालकिन से कह दो जाके बहुत अच्छा हजूर मैं अभी जाता हूँ मालकिन सेठ प्रभु दयाल जी के लड़के आपको मिलना चाहते हैं बुलाओ बुलाओ अंदर बुलाओ ने मैं हाजिर हूं नमस्ते भाभी जी बैठो भैया क्या हुआ भैया प्रभु दयाल जी तुम्हारी ऐसे है ना कुछ मुंह से तो बोलो भैया
देखो। एक बिंदी लेके आया हूँ, नहीं तो नहीं कीजिएगा भाभी जी। तुम कहो तो नहीं। पहले पहले हाँ कीजिए। अच्छा भैया मैं हाँ कहती हूँ, सुना था तुम तो शिमला कॉलेज में पढ़ते हो। हाँ वहीं से तो भाग के आया हूँ। देखिए पिताजी से तो नहीं कहिएगा। मैं तुम्हारे पिताजी से कुछ नहीं कहूंगी। नहीं आप कह देंगी। मैं कहती हूँ नहीं कहूंगी। नहीं आप कह देंगी। कसम खाती हूँ नहीं कहूंगी। क्या मुसीबत है? अब बताओ भी बात क्या है? जी 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 मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ। उसे चाय पीने के लिए इस मकान में बुलाया है। हाँ घर पर बुला नहीं सकता, पिताजी मार डालेंगे। होटल भी नहीं ले जा सकता, बड़े आदमी का लड़का हूँ सब पहचानते। अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है भाभी जी, बड़ी मुसीबत में गिर गए। अरे ये भी कोई बात हुई? प्रभु जान जी से तुम्हारे घर जैसे ताल्लुकात हैं, तुम इतने परेशान क्यों होते हो? चलो रोना बंद करो, घर में पहली दफा आए हो, मुंह मीठा करके जाओ। भैया कहाँ है? उनसे तो पूछ लीजिए, उनको तो कोई शिकायत नहीं होगी। भैया का क्या है, एक बार डार्लिंग कहूंगी मान जाएंगे। अच्छा आपने मुझे बचा लिया भाभी जी। तुम बैठो मैं मिठाई लेकर आती हूँ। आप कौन है? प्रभुदयाल, सेठ प्रभुदयाल, लैंडलॉर्ड। हाँ मिसेस सिन्हा से मिलने आया। अच्छा तो तुम्हारी ही लिए मैं बुलाया गया हूँ। मेरे लिए? हाँ हाँ तुम्हारे लिए। मिस्टर सिन्हा बहुत बिगड़े हुए हैं, सुना है उनकी गैर मौजूदगी में तुम उनकी बीवी से मिलने आते हो। राम राम, ये आप क्या कहते हैं, वो तो मेरी बेटी के बराबर है। अरे वाह वाह, बेटी भी कहते हो और इस बहाने आते भी रहते हो। चले जाओ यहां से नहीं तो मैं तुम्हारा। राम राम। कौन था भैया? जी वो एक भंगी था, मैंने कहा उधर से जाओ, बहस करने लगा, मैंने डांट दिया। बहुत अच्छा किया, लो ये मिठाई खाओ। शुक्रिया, बड़ी तकलीफ दे रहा हूँ आपको। नहीं भैया ये तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा भाभी जी कल ठीक 4 बजे फिर आऊंगा आपको तकलीफ देने। हाँ अबे कोई घर में है या सब नौकर मर गए? सलाम साहब। अबे सलाम के बच्चों कहाँ थे इतनी देर? आने में थोड़ी देर हो गई। थोड़ी देर हो गई? 50 घंटे से मोटर का हॉर्न दे रहा हूँ, थोड़ी देर हो गई। इडियट्स, चलो निकालो सामान। जी सब नमक हराम है, 500 रुपए तनख्वाह दो, हर संडे को छुट्टी दो, और उस पर ये हालत है। क्या कोई मुकदमा हार के आए हो जो आते ही नौकरों पे बरस पड़े? अजी ये मेरे नौकर है, ये तो मेरे बाप मालूम देते हैं। ये मैं अपने मुंह से कैसे कहूँ? देखो जी तुमने इनको और भी सर पे चढ़ा के रखा है, इनकी कल की संडे की छुट्टी कैंसिल है। सुनो जी कृपा करके तुम घर और नौकरों के मामले में मत बोला करो। तो किस मामले में बोला करूँ? अच्छी बात है, कल अगर नौकर चले गए तो खाना भी तुम्हें को पकाना पड़ेगा। हाँ, खाना पकाऊंगा, झाड़ू दूंगा, कपड़े तक धोऊंगा, मगर इनको निकाल के रहूंगा, ये सब नमक हराम है। डार्लिंग। देखो जी मुझे जब भी गुस्सा आता है तुम डार्लिंग कह के ठंडा कर देती। डार्लिंग नौकर अगर चले गए तो मैं काम तुम्हें थोड़ी करने दूंगी, काम तो मुझे को करना पड़ेगा, और फिर तुमसे बातें कौन करेगा? अच्छा अच्छा उनको संडे की छुट्टी दे दो। डार्लिंग सब नमक हराम है। अब बातें करें। सब नमक हराम। आज संडे का दिन है, सोचा था 3:30 बजे के शो में पिक्चर जाएंगे, उसके बाद क्लब जाएंगे, मगर एन मौके पर ये प्रभु दयाल के सरदारे आन कपटे। तुम भी तो कभी नौजवान थे। कभी? नहीं नहीं मेरा मतलब है अभी भी नौजवान हूँ। तुमने भी तो मोहब्बत की थी कभी, अपना वक्त भी तो। हाँ सब वक्त याद है, मगर ये वक्त याद नहीं था कि तुम आज नौकरों को छुट्टी दे दोगी और मुझे इस लोंडे के लिए यहाँ नौकर बनने को कहोगी। हमेशा के लिए तो नहीं, सिर्फ आज के लिए। भैया चुप कर, भैया का बच्चा नहीं बनूंगा नौकर। सुनो क्या है, शादी से पहले का वो वक्त भी याद है मुझे जब डैडी ने घर में तुम्हारी एंट्री बंद कर दी थी और तुम धोबी के मैले कपड़ों में छुपे हुए गधे पर ढेंचू ढेंचू करते आ। हाँ शादी से पहले हर आदमी गधा होता है, मगर मैं आज गधा नहीं बनूंगा। नो डार्लिंग। सुनो तो मैं भी तो नौकरानी बन रही हूँ,
तुम भी अगर नौकर बनोगे तो कितना मजा आएगा। कितना मजा आएगा भैया, शायद वो आ गई। अरे आ गई तो क्या, कोई शेर नहीं है भैया? प्लीज मान जाओ। नहीं मानूंगा भाभी जी, प्लीज मनाइए ना। हेलो हेलो, आ जाओ अंदर आ जाओ। ओह, इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस। आप खामोश क्यों? नहीं नहीं, मैं तो खामोश नहीं हूं, मैं तो बोल रहा हूं। बैठो। बदबू आती है तो मैं लेवेंडर डाले देती हूँ। तुम लेवेंडर डालो चाहे कवेंडर डालो, मैं नहीं पहनने वाला हूँ। अरे आहिस्ता बोलो, नहीं तो वो सुन लेंगे। आहिस्ता नहीं बोलूंगा। लो पहन लो। नहीं पहनूंगा प्लीज। नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा, कभी नहीं। मैंने बोल दिया मैं नहीं पहनूंगा। देखो मान जाओ, नहीं तो फिर मुझे डार्लिंग कहना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये तुम नहीं कह सकती, ये फाउल है। डार्लिंग मैं नहीं पहनूंगा। चाय तो अभी तक नहीं आई, मालूम होता है नौकरों पे आपका कुछ रोब वोब नहीं। रोब? मेरे नौकर तो मेरे नाम से कांपते हैं। बिरजो कहां मर गया? बिरजो! यस सर। डेढ़ घंटे के बाद यस सर पहले हो गए थे। मैं इस पर सामान रखो। खाओ 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 खाओ। प्लेट में देना चाहिए। औरत काम कर रही है और तुम खड़े हुए मुंह देख रहे हो? जाओ चाय बनाओ जल्दी। यस सर। यस सर के बच्चे जा कह रहे हो? सलाम नहीं किया मैम साहब को? क्या मालूम होता है बड़ी टाइट हुई बीबी के सामने सलाम करते हुए? जाओ जल्दी। मेरी बेइज्जती हो रही है और तुम खुश हो रही हो? इस प्रभु दयाल जी के बच्चे ने और कुछ बका तो इसका गला मरोड़ दूंगा। अरे अरे, मेरा गला काहे को मरोड़ तो और किसका मरोड़ू? बोलू वो सुन लेगी। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बोलूंगा। लो ये खेल नहीं ले जाऊंगा। क्या लड़ रहा था बीबी से? मैं कह रहा था कि सब तुम्हारी कसम अपना काम अपने हाथ से कर ले, लेकिन कभी मियां बीबी एक साथ नौकर न रखे। मियां बीवी हैं दोनों? मियां बीवी तो नहीं, एक दूसरे के दुश्मन मालूम होते हैं, हर वक्त लड़ा करते हैं। आपके नौकर काफी शौकीन मालूम होते हैं, लेवेंडर लगाया हुआ है। लेवेंडर? जब ही मैं सोचता था कि लेवेंडर की शीशियां कहां चली जाती हैं, शीशी लाया और गायब। अब लाट साहब के बच्चे खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो? चाय बनाओ जल्दी। अब बेचारे को ज्यादा तो ना डांटिए मेरे सामने, कहीं रो ना दे। प्रभु दयाल के बच्चे, मैं तुझे जान से मार दूंगा। जाता किधर? क्या देख रही हो? क्या खूबसूरत पेंटिंग है। पसंद आई? आपके टेस्ट का तो कोई जवाब नहीं। मुझे इस घर की हर चीज से कुछ अजीब सी मोहब्बत सी होने लगी। रियली? बिरजू, बिरजू ये पेंटिंग मेम साहब की गाड़ी में रख दो। क्या अब घर से चीजें भी जाने लगी? तो तुझे क्या तकलीफ हो रही है? अरे मुझे तकलीफ नहीं होगी तो और किसको होगी? अरे ओ, पुराने नौकरों को मालिक की चीजें घर से बाहर जाते हुए देखकर तकलीफ होती है। अब बिरजू फिक्र मत कर, ये भी अपनी है। अरे तो इसको यहाँ रख लो ना। यहाँ बहुत गर्मी है,
चलिए बाहर चले। गुड आइडिया। बिरजू चाय बाहर लाओ। बिरजू हमारा बड़ा काम का आदमी है, जब गुस्सा करता है तो और ज्यादा प्यारा लगता है। सब नमक हराम है। मधु चलो कहीं बाहर चले। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है, दिल चाहता है सारी जिंदगी यहीं रहूं। सच? जिंदगी भर? जिंदगी भर के क्या मतलब? तुम्हें ने तो कहा था इन्हें रख लो। अजी मेरे कहने से क्या होता है? तुम्हारे कहने से सब कुछ होता है, तुम ही तो मालिक हो। अजी मैं कोई मालिक वालक नहीं हूँ। मालिक हो बिरजू, तुम बड़े अच्छे आदमी। क्यों, आज खाना क्या पका है तुमने? खाना? अरे मैं नौकर हूँ। हैं? तुम नौकर नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि ये कुक नहीं। ओ खैर कोई बात नहीं बिरजू, आज खाना मैं पकाऊंगी और सबको खिलाऊंगी। सुनिए बिरजू, जरा देखना बाहर कौन है। अच्छा पहले आप जरा इधर देखिए ना, ये मेरा ससुर है, माय फादर इन लॉ। मुझे हालत में देख लेगा तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, मुझे बचाइए इसे। अच्छा बेटा अब आए काबू में? हाँ आ गया काबू में, मगर कुछ करो मुझे बचाओ। बोलो नौकर बनोगे? जी बनूंगा, बड़ा अच्छा नौकर बनूंगा, आपका भी और आपके मेम साहब का भी। खाना पकाओगे? खाना छोड़ गाना भी गाऊंगा आपकी तारीफ में, मुझे बचाओ। ओके लेकिन याद रखना। जी याद रहेगा, ये तो हमेशा याद रहेगा। मिस्टर सिन्हा कहाँ है? कौन मिस्टर सिन्हा? जो यहाँ रहते थे। थे का क्या मतलब, अभी 8 दिन पहले तो यही थे। एक दिन में दुनिया के नक्शे बदल जाते हैं, घर बदल जाते हैं, इंसान बदल जाते हैं। आपसे क्या छुपाना, मिस्टर सिन्हा सट्टे में कई लाख हार गए। हाँ। और इज्जत बचाने के लिए मकान छोड़कर भाग गए। हीराम ये क्या हुआ, मेरी बेटी बर्बाद हो गई। बेटा वो कहाँ है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। वो जिस हालत में है शायद आपसे मिलना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? वो किसी भी हालत में हो हम उनसे मिलने गए। आप अपने बॉय से कहिए हमें मिलवा दे। बॉय, ओ बॉय, कम ही है, कम ही है। अरे तुम जाते क्यों नहीं, कैसे नौकर हो तुम? जाता हूँ मैम साहब, जाता हूँ। हेलो बिरजू। यस सर। आदर से खड़े रहो। यस सर। इन्हें अंदर ले जाओ और मिस्टर सिन्हा से मिलवा दो। यस सर। थैंक यू। आओ मधु। सिन्हा तुम्हें इसी दिन के लिए मैंने अपनी बेटी दी थी, इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें 50,000 की डौरी दी थी कि तू सट्टा खेले। सट्टा? सट्टा किसने खेला है? चुप रहो। सुनिए तो। सुनने के लिए बाकी क्या रह गया, सब कुछ देख रहा हूं। उससे तो इतना भी नहीं हो सका कि 5 पैसे का खत भी डाल दे। 1-2 लाख के लिए मैं मरने गया था। ओहो किस मुसीबत में डाल दिया तुमने मुझे। अट्टा को खेलता हर मुसीबत में इसने डाल दिया। चल बेटी मेरे साथ, मांगने दी इसको दर दर की भीख। लो इज्जत तो पहले ही गई, अब लड़की भी ले जा रहे हैं। सब नमक हराम है। क्या कहा? मेरा मतलब है कि मैं बहुत बड़ा नमक हराम हूं। और कह मुझे प्यार देंगे। कह दो जहां से कह दो इश्क पर जोर नहीं। कह दो जहां से कह दो इश्क पर जोर नहीं। मर जाएंगे एक दूसरे पर मचेगा कोई शोर नहीं। कह दो जहां से कह दो इश्क पर जोर नहीं। मर जाएंगे एक दूसरे पर मचेगा कोई शोर।
से कह दो इश्क पर जोर नहीं। वही जाए दिल का पपीहा तेरे ही पास आए। मेरा दिल है वो पागल पंछी के ऐसा तो चकोर नहीं। मेरा दिल है वो पागल पंछी के ऐसा तो चकोर नहीं। मर जाएंगे एक दूसरे पर मचेगा कोई शोर नहीं। कह दो यहाँ से कह दो इश्क पर जोर नहीं। पहले कि मैं भूल जाऊं, क्योंकि जब तुमसे मिलती हूँ सब कुछ भूल ही जाती हूँ। 23 को मेरी बर्थडे है, तुम जरूर आना। 23 को? हाँ। अगर मौत भी आए तो मैं उसको भी टाल कर आऊंगा, देख लेना। बाप रे, सुबह से इस वक्त तक न जाने कितने होटल ढूंढ डाले, कितने मंदिर ढूंढ डाले दीदी, और कितने पागल खाने ढूंढ डाले हमें। अब हमें क्या मालूम था कि आप लोग इस पेड़ के अंदर छुप के बैठेंगे। हाँ, तुम लोग हमारा पीछा मत छोड़ना, कोई कसम खाई है क्या? वाह दीदी, हुआ, मिलवाया हमने, रास्ता दिखाया हमने, और ना कोई पार्टी, ना डिनर, ना लंच। यस मदर, ये तो बड़े जुल्म की बात। हाँ, हमें खाना खाने देंगे। लेकिन ये कोई खाना खाने का वक्त है? मैं नहीं चाहता कि बेवक्त खाना खा के आप लोगों की सेहत खराब हो। आप हमारी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, चलिए चलिए चलिए। लेकिन इस वक्त मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। क्यों मधु? मुझे तो कुछ कुछ लग रही है। अरे मार डाला, जेब में तो एक पैसा भी नहीं है। चलिए 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 चलिए।
पास है। बॉय जरा मीनू काट दे देना। ये लड़कियां तो शायद थोड़ा बहुत बख्श भी दे हैं, लेकिन मैं नहीं बख्शूंगी। हाँ लेकिन आप क्या पियेंगे, चाय या कोका कोला? ये कमाल है भाई, अरे चाय कोला वगैरह तो हम रोज पीते हैं। आज तो स्पेशल चुटी चुटी आइसक्रीम, रसगुल्ले, गरम गरम समोसे, गुलाब जामुन। मैं तो तंदूरी चिकन खाऊंगा। जी मेरा ख्याल है कि आपके सेहत के लिए गरम गरम सोडा बहुत फायदेमंद है। सबके लिए टूटी फ्रूटी आइसक्रीम, पतीस, दही बड़े, गुलाब जामुन और रसगुल्ले। ओह हाँ, और तंदूरी चिकन और गाजर का हलवा मिलता है, ये भी मिलता है। बॉय मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लाना, अभी लाया। अशोक बाबू जी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? नहीं तो। अच्छा समझी। क्या? यही कि आप सोच रहे हैं कि अगर आपके घर वालों ने इतनी सारी लड़कियों के साथ देख लिया तो क्या सोचेंगे? जी यही सोचेंगे कि किशन भगवान ने दूसरा जन्म ले लिया है और मॉडर्न गोपियों के साथ हटके लिए कर रहे हैं। दीदी कि अशोक बाबू को जितना मैं बुद्धू समझती थी ना, ये उतने नहीं है। जी इस वक्त उससे ज्यादा हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। आराम से आना, कोई जल्दी। अरे अभी तक खाना नहीं आया। बॉय बॉय हाजिर है साहब। चलो जल्दी खाना लगाओ जल्दी। हाँ सुनो, खाना अगर अच्छा नहीं होगा तो सब फेंक दूंगा, एक पैसा भी नहीं मिलेगा, समझा? आपके लिए तंदूरी चिकन आ गई, आइए। हाँ शुरू कीजिए। तंदूरी चिकन कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? खाना कैसा है? नमक मिर्ची ज्यादा नहीं है? ए बॉय की बच्चा किधर आए तुम? डैम फूल, इतना मिर्च क्यों रखा हमारे खाना में? नो सर, लेके जाओ उसको। एक भाई पहना है देंगे। इतना मिर्ची तो नहीं सर। मिर्ची नहीं, एक है, एक है, एक है। जेब में पैसे वैसे होंगे नहीं, इसलिए खामखा शोर मचा रहे। हाँ जी जी, देखो ना कितना टेस्टी खाना है। हाँ। माफ कीजिएगा, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। रईस आदमी होना भी सच्ची मुसीबत। रईस? जी हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं अभी आया। गुड इवनिंग मैनेजर साहब। ओह वेरी गुड इवनिंग। मैं जरा बैठ सकता हूँ? तशरीफ रखिए ना। थैंक यू वेरी मच। आपने कभी मोहब्बत की है? व्हाट? जी हाँ की है, बट आपको कैसे मालूम हुआ? आपकी सूरत बता रही है। बंदा नवाज है नहीं ठीक अभी, अब वो सूरत कहाँ? क्या फरमा रहे हैं आप, अब भी तो क्यामत की सूरत है। अगर हम दोनों कहीं एक साथ बाहर निकलेंगे तो हसीनों की नजर आप ही पर पड़ेगी। शायद मुंह से पहले पेट पर, बंदा किस काबिल है। तो जब आपने मोहब्बत की है तो मोहब्बत करने वालों की मुसीबत खूब समझते होंगे। मुसीबत नहीं साहब, राहत कहिए राहत। प्रेमियों ने कहा है वही जमाना तो जमाना होता है, और तो सब जीने का बहाना होता है। क्या बात कही है आपने, ये तो मजनू ने बुढ़ापे में कही थी। मगर आप तो जवानी में पहेलियां बुझवा रहे हैं, साफ साफ कहिए ना क्या काम है मुझसे। जी बात ये है कि मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ। तो आज मैं अपनी होने वाली दीदी के दोस्तों के पंजे में फंस गया हूँ। बहुत। उन लोगों ने आपके होटल में जबरदस्ती खाने का ऑर्डर भी दे दिया। बहुत। और बदकिस्मती से मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। बहुत खूब। अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है। देखिए साहब, मैं अपना आखिरी बहुत खूब वापस लेता हूँ। मैनेजर साहब,
आप भी तो कभी आशिक रह चुके हैं। अजी मैं किसी जमाने में आशिक था, अब तो 15 बच्चों का बाप हूँ। अगर इज्जत इतनी प्यारी है तो घर से पैसा मंगवा दीजिए। मैनेजर साहब जी, अगर मेरा घर होता और उस घर में पैसे होते तो मैं आपसे मदद मांगने क्यों आता? मगर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैनेजर साहब, मैं भीख मांगूंगा, चोरी करूंगा, कुछ भी करूंगा, मगर कल आपके पैसे जरूर दे दूंगा। नहीं, भगवान के लिए आज मान जाइए। बिल्कुल नहीं मानता। रसगुल्ला मुंह में ना जाने पाए। I know what I mean. You fatty! Fatty! Hey, दही बड़े की प्लेट वापस ले जाओ। साहब ये तो पांचवी प्लेट है। हाँ, पांचवीं प्लेट है। जब जेब में पैसे नहीं होते तो भूख ज्यादा लगती है। मैं पूछता हूँ, तुम लोग यतीम खाना समझ कर आए हो इस होटल? Shut up! फोकट में खाना खाती है और shut up! कमी से बात कीजिए। जेब में पैसे नहीं है तो क्या हुआ, घर से मंगा देते। अशोक, क्या तुम अपना वॉलेट भूल गए हो? मधु, कुछ ऐसी बात है? कुछ ऐसी वैसी बात नहीं। इसके पास पैसे ना यहाँ है ना घर पर, ये तो कोई पैदाइशी 420 मालूम होता है। जी हाँ, अगर इसके पास पैसे होते तो ये मेरी खुशामद ना करता, ये ना कहता भगवान के लिए मेरी इज्जत बचाइए। इसने मुझसे साफ साफ कहा है कि ये भीख मांगकर या चोरी करके होटल का बिल चुकाएगा। क्यों जी? मत मत, भगवान ने इनको सभी कुछ दिया है, बंगला, नौकर चाकर। भगवान ने नहीं, बल्कि मिस्टर सिन्हा की बीवी ने तरस खाकर वो मकान इसे दिया था, क्योंकि ये झूठ बोलकर मेरा बेटा बनकर वहां गया था। हाथ हटा 420, तुझे पुलिस में देने के लिए मैं 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ। अजी आप तकलीफ मत कीजिए, मैं अभी इसे पुलिस में देता हूँ। अरे बाप रे। मैनेजर साहब जी, ये लीजिए। क्या? आप ये रख लीजिए, आपका बिल 1 घंटे के अंदर अंदर दे दिया जाए। जी इसकी क्या जरूरत? मधु, मधु, मैं यह गलतफहमी बहुत पहले दूर कर देना चाहता था कि मैं तुम्हारा मंगेतर नहीं हूँ। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे थे। अब समझाने की कोशिश मत करो मुझे, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। तुमको यकीन नहीं आएगा कि इस गलतफहमी को दूर करने के लिए मुझ में और मेरे दिल में कितनी कश्मकश हुई है। मैं भी इंसान हूँ, नौजवान हूँ, मुझे थक कर दिल के हाथों हार मानना पड़ी। मधु तुम्हारी कसम, मैं तुम्हारे दौलत से नहीं, तुम्हारी पोजिशन से नहीं, सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ तुमसे। अगर तुम सचमुच सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करते थे तो अमीर बनकर मुझको धोखा देने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि मैं तुम्हारे हसीन सपनों को तोड़ना नहीं चाहता था। नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम झूठे हो, खानदानी झूठे। शुरू से आज तक तुमने झूठ के सिवाय और कुछ बोला ही नहीं। वाह बेटा वाह, तुमने वाकई खानदान का नाम रोशन कर दिया। चाचा जी आप यहाँ क्यों चौंक क्यों पड़े? मैं मर नहीं गया हूं, जिंदा हूं। मुझे तुम्हारी सब करतूतें मालूम हो चुकी हैं। इसी तरह घर चलो चलो। मगर सुनिए तो। सुनिए, क्या वाकई आप इसके चाचा जी हैं? आपको क्या तकलीफ है? अच्छी तकलीफ मुझे तो नहीं, तकलीफ तो आपको होने वाली है। ऊपर वाला कमरा फौरन खाली करना पड़ेगा। भिखमंगों के लिए ये होटल नहीं है। सुनिए तुमने इस थर्ड क्लास आदमी की बात, मैं जब तक ये होटल खरीद नहीं लूंगा चैन नहीं लूंगा। मैनेजर इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि बस चलता तो गोली मार देती उसको। झूठ की भी हद होती है दीदी, इतना सफेद झूठ। कहता था करोड़पति आदमी हूं, अब निकला भीख मंगा। कितनी इंसल्ट हुई होटल में। अगर डैडी को खबर हो जाए तो जेल भिजवा देंगे उसको। 420 कहीं का? 420? अरे 840, बल्कि 1680 है यार। शेमलेस क्रीचर, डिस्गस्टिंग फेलो। मगर दीदी बस एक ही बात से उसे माफ किया जा सकता है। हाय, सूरत तो कुछ ऐसी मीठी कि मालूम होता है कलकत्ते के बाग बाजार का रसगुल्ला, और वो भी चांदी के वरक में लपटा सामने से चला। शट अप, मैं उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती, समझी? तो मगर दीदी मैं तो रसगुल्ला का जिक्र कर रही थी। हेलो, कौन? अशोक बाबू, दीदी को अगर पता चल जाए ना तो टेलीफोन पर ही गोली मार देगी। तो फिर किस तरह मनाया जाए आपकी दीदी को? अभी मामला गरम गरम है, बाद में मिलेंगे। तनु, इडियट की तरह बात मत करो। अरे है कोई दो टांग वाला गधा,
क्या बोल रही हैं आप? मैं कहती हूँ टेलीफोन बंद कर दो, यू इडियट। कोई बड़ी बात नहीं, आपकी जगह अगर मैं होती ना तो यही झूठ बोलती। ये प्यार में तो अक्सर यही हुआ करता है, वो मजनू नैना से रोज ही झूठ बोला करता था। और सुना है कि फरहान ने तो शीरी से कभी सच बोला ही नहीं। बाप रे, आप तो प्यार की डिक्शनरी मालूम होती है। जी शुक्रिया। तो इसी फेर में कोई तरकीब भी बता दीजिए। ये भी कोई बड़ी बात नहीं। कुछ जमी नहीं बात। आप दीदी को डैडी के नाम से टेलीफोन कीजिए हाँ, और उससे कहिए कि देखो एक आदमी भेज रहा हूँ, तुम झंडे वाले बाग में मिलो। डैडी, ये आप बोल रहे हैं? आपकी आवाज कुछ समझ नहीं सकी मैं। मेरी आवाज की फिक्र मत करो, घबराहट में फंस गई है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। डैडी जी जुकाम हो गया है। डैडी आपको तो बहुत जोर का जुकाम है। यस माई स्वीट हार्ट, सुबह से 200 छींके आ चुकी हैं, बट जो काम दिया है उसको पूरा करो, समझी? मधु मधु मधु, मैं जानता हूं तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें किसको ढूंढ रही हैं, किसको देखने के लिए तरस रही हैं। मधु तुम यकीन करो, मुझे भी तुम पर इतना गुस्सा आया था, इतना गुस्सा आया था कि मैंने उसी वक्त तय कर लिया था कि जिंदगी भर तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगा। मगर कल रात जब मैं तुम्हारे मकान के सामने से गुजरा और तुम्हारी खूबसूरत आंखों में पछतावे के आंसू देखे तो मेरा दिल पिघल गया। अब मैंने तुम पर तरस खाकर यह तय कर लिया है कि मैं तुमसे शादी कर लूं, क्योंकि मुझे मालूम है तुम मुझसे बेहद प्यार करती हो। यू कावर्ड, बुद्धे, अगर तुम में जरा सी भी शराफत है तो आओ मैदान में, अभी दिखाती हूं मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं। हां, मुझे बुजदिल कहकर अपने प्यार की तोहीन मत करो। मैं तो वो सरफिरा आशिक हूं जो जान हथेली पर लिए फिरता है। मैं तुम्हारे सामने आना चाहता हूं, तुम्हें अपनी बाहों में लेना चाहता हूं। काश ये कंबक छतरी तुम्हारे हाथ में ना होती। यू चाजो बी, मुझे अभी तुम्हारा फैसला चाहिए, हाँ या ना। छोड़ मेरा हाथ। नेवर। मेरे बदन में राजपूती खून है, जब किसी लड़की का हाथ पकड़ लेता हूं जिंदगी भर नहीं छोड़ता। मधु मधु, तुम मेरी मोहब्बत का ठुकरा कर जा रही हो। अगर तुम्हारी यही जिद रही तो इस टूटे हुए दिल के पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मौत। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं चाहती भी यही हूं कि जल्दी एक झूठा इस दुनिया से कम हो। ओह, ठीक है, तो अपनी आंखों के सामने मेरी मौत का तमाशा देखती जाओ। मैं मर ही रहा हूँ, मरने से पहले इतना तो बता दो कि तुम मुझसे सचमुच प्यार करती हो, ताकि मेरी जान जरा आसानी से निकले। मैं सचमुच तुमसे प्यार करती हूँ अशोक, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, जी नहीं सकती। तो मधु, फिर मैं मर नहीं सकता। अब रोना बंद करो और गले लग जाओ। फिर वही झूठ। सॉरी, ये आखिरी झूठ था, फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। चलो अब चले, चल। एक मिनट। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, ओ मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया। अप्रैल
फूल बनाया तो उनका गुस्सा आया। ओ मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया अप्रैल फूल बनाया। दिल पर ओ जाने जाना गुस्से के रूप में लगती हो और हसीन। दिल पर ओ जाने जाना गुस्से के रूप में लगती हो और हसीन। तेरी कातिल राने मार ही डाला कर लो तुम इसका यकीन। तेरी कातिल राने मार ही डाला कर लो तुम इसका यकीन। वेरी गुड। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया। मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया। तो मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया अप्रैल फूल बनाया। दिल से दिल की पहचान हुई जागी मोहब्बत गाने लगी जिंदगी। दिल से दिल की पहचान हुई जागी मोहब्बत गाने लगी जिंदगी। हमने दुनिया में आकर वो रूप धारा जिंदा हुई आशिकी। हमने दुनिया में आकर वो रूप धारा जिंदा हुई आशिकी। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया। ओ मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया। ओ मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया अप्रैल फूल। अशोक, तुम्हें तो झूठ बोलने का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। मधु, मैंने जिंदगी में एक ही कसूर किया है, एक ही हसीन गुनाह किया है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ज्यादा रोमांटिक होने की कोशिश मत कीजिए। मधु, आज मैंने दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। यही कि दुनिया सिर्फ मोहब्बत से जीती जा सकती है, लड़ाई झगड़ों से नहीं। कोई खास खुश होने की जरूरत नहीं है मिस्टर, अभी तो माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी बाकी है, यानी कि मेरे डैडी। मधु, जब पुजारी ने मूर्ति को राम कर लिया है तो तुम्हारे डैडी को मना लेना कौन सी बड़ी बात है। आज ही मिलता हूँ तुम्हारे डैडी से। वो अपने असूलों के बहुत ही पक्के हैं अशोक। हो सकता है कि जहाँ उन्होंने मेरे लिए जुबान दी है वही मेरी शादी करने पर मुझे मजबूर कर दे। नहीं मधु, नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। ऐसा होने से पहले मैं उनके कदमों पे जान दे दूंगा। ऐसे नहीं कहते, मैं अपने डैडी को अच्छी तरह जानती हूँ, मैं ही उनसे बात करूंगी। कब? आज रात को। तो आज रात को मैं तुम्हें फोन करूंगा? नहीं नहीं, रात को नहीं, कल सुबह करना। डैडी क्या सोचेंगे? तो आज रात कैसे कटेगी? हमेशा अपना ही सोचते हो, कभी दूसरों का भी सोचा करो। नहीं, तुम्हारी शादी अशोकी के साथ होगी। लेकिन डैडी। डैडी वैडी कुछ नहीं, मैं एक लफ्ज सुनना नहीं चाहता। प्लीज गो, मुझे काम करने दो। मधु। जी डैडी। यहाँ। मुझे बड़ा अफसोस है,
मैं तो ये सोच रहा था इस पॉइंट पर तुम्हारे और मेरे दरमियान एक ड्रामेटिक सीन हो जाएगा, मगर तुमने तो इतनी जल्दी सरेंडर कर दिया। सरेंडर वरेंडर तो कुछ नहीं किया डैडी, मुझे आपकी खुशी ज्यादा प्यारी है। अरे पगली, तूने मुझे इतने पुराने ख्याल का समझा, शादी तुझे करनी है मुझे नहीं। मैं तेरे अशोक का जिक्र कर रहा था, मुझे तेरा अशोक पसंद है। जी नहीं डैडी, आप सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं, मुझे आप वाला अशोक पसंद है। अरे बाबा, मुझे तेरा अशोक पसंद है। जी नहीं डैडी, मुझे अब आप ही वाला अशोक पसंद है। ये क्या मुसीबत है, मैं कहता हूँ मुझे तेरा अशोक पसंद है, मैं तो मजाक कर रहा था। और आपके ख्याल में मैं सीरियस थी, मैं खुद मजाक कर रही थी। तू मजाक कर रही थी? जी हाँ। मेरे साथ? आगे आओ दादी। आओ आगे दादी। चलो झुकाओ सर, नीचे झुकाओ। भगवान तुझे सुखी रखे। थैंक यू दादी। हेलो सर, बेला जरूरी कागजात के साथ किडनैप कर ली गई। क्या? मैं अभी आता। बोलो उस कागज में क्या लिखा था? 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 बोलो। इलेक्ट्रिक शॉक। बोलो उस कागज में क्या लिखा था? बोलो सुचान। बोलो कागज क्या लिखा? पांच महीनों में यह दूसरी बार देश के सीक्रेट पेपर चुराने की कोशिश की गई। मेरी समझ में नहीं आता कि लोग जिस धरती से पैदा होते हैं उस धरती के साथ गद्दारी कैसे कर सकते हैं। अपने देश की छुपी हुई खबरें दुश्मन के मुल्क तक कैसे भेज सकते हैं। सर, दुश्मन यह काम बड़ी चालाकी से कर रहा है। हमारे सीआईडी के बेहतरीन दिमाग इस मामले में मजबूर नजर आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सांप हमारी आस्तीनों में पल रहे हैं और हम उसका सर नहीं कुचल सकते। और ताज्जुब की बात तो यह है कि जो बातें बड़े बड़े अफसरों और नेताओं को भी नहीं मालूम होती वो दुश्मन के मुल्क में पहुंच जाती हैं और आज तक हम नुकद्दारों का पता नहीं लगा सके। हम मजबूर हैं। मजबूर? जेंटलमैन, ये मजबूरी का लफ्ज अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। यही कमजोरियां हमारे देश को तबाही की तरफ ले जा रही है। जो कल गुजर गया उसे भूल जाइए और आने वाले कल पर भरोसा कीजिए और ये प्रतिज्ञा कीजिए कि हम लोग उन गद्दारों को ढूंढ निकालेंगे, चाहे इसमें हमारी जाने ही क्यों ना चली जाए। That's all, gentlemen. ये मिस्टर मोंटो हैं जो देश के बड़े बड़े शहरों से कनेक्टेड हैं। कलकत्ते में एक जूट मिल के मालिक हैं, हैदराबाद में इनकी जमीनें और जायदाद है, मद्रास में इनका लेदर का कारखाना है और रहने वाले शायद कानपुर के हैं। इनके मुतालिक शुबा है कि ये हमारे मुल्क की छुपी हुई खबरें दुश्मन मुल्क को पहुंचाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ मिस्टर मोंटो को गिरफ्तार करना ही नहीं है, क्योंकि एक मोंटो गिरफ्तार होगा हजारों मोंटो पैदा हो जाएंगे। हमारा मकसद उस दुश्मन मुल्क का पता लगाना है जो मोंटो ऐसे गद्दार सांपों को दूध पिला पिलाकर पाल रहे हैं। वक्त कम है, मुल्क बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। एक जरा सी देर हमारे मुल्क को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। Thank you.
یہ کہانی اس وفادار وزیر کی ہے جس نے لڑائی کے زمانے میں کوئی اور چارہ نہ دیکھ کر اپنی اکلوتی بیٹی کے ذریعے دشمن کو ختم کیا۔ اس کوشش میں بیٹی کی جان چلی گئی لیکن ملک بچ گیا۔ اکلوتی بیٹی، ملک، لیکن ملک بچ گیا۔ ملک بیٹی، لیکن ملک بچ گیا۔ مجبور، جنٹلمن، یہ مجبوری کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دیجیے اور یہ پرتگیا کیجیے کہ ہم ان غداروں کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ چاہے کوشش میں بیٹی کی جان چلی گئی۔ مجھے معلوم ہے ان کا ٹیلی فون ہے، میری باتیں زیادہ ضروری ہیں، یہاں آؤ پلیز۔ او ڈیڈی، جی اگر بچے ہٹا لو تو ٹیلی فون بنانے والے کو گولی مار دیتی۔ دیکھو کلین 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 کلین۔ ہیلو، اچھا تو آپ ہیں مسٹر اشوک؟ کمال ہے بھائی، معلوم ہوتا آپ لوگوں کو ساری رات نیند نہیں آتی، نہ خود سوتے ہیں اور نہ دوسروں کو سونے دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کے دماغ میں خشکی ہو گئی ہے، بادام کا تیل لگائیے نا۔ جی ہاں، اس کے لیے بھی بہت مفید ہے یہ تیل۔ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہاں کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ اتنی بیتابی۔ اچھا بابا بلاتی ہوں۔ دیدی، اے ہو دیدی، بتاؤ ہے ٹیلی فون میں آئے گا؟ تنو، ٹیلی فون کا کنیکشن میرے کمرے میں دے دو۔ اچھا دیدی۔ میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں اس کو غور سے سنو، ٹھنڈے دل سے۔ ڈیڈی کا یہ کہنا ہے کہ آج کل کے نوجوان محبت کے وقتی جوش میں بغیر سوچے سمجھے شادی کر بیٹھتے ہیں، جس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ نہیں نہیں اشوک، ان کا یہ خیال بالکل صحیح ہے۔ اور ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، آخر وہ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں،
उन्होंने जिस नाज और नेमत से मुझे पाला है, अगर वो चीजें मुझे किसी और घर में ना मिल सकी तो जाहिर है कि शादी के कुछ दिन बाद मैं खुश नहीं रह सकूंगी। लेकिन सुनो तो। नहीं नहीं अशोक, अब मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं। बस अब तो तुम ये समझ लो और मैं भी यही समझूंगी कि जिंदगी में हवा का एक खुशगवार झोंका अचानक आया और गुजर गया। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप लोगों को शायद ये बात पसंद नहीं आई, कल तक ये हमारा बेहतरीन दोस्त था, लेकिन आज हमें इसे रास्ते से हटाना पड़ा। लाश का इंतजाम करो। गाड़ी पीछे लो, गाड़ी पीछे लो। बाप रे, ऐसी गाड़ी चला रहा है? देखता नहीं लड़कियों को गिरा दिया। आपको चोट तो नहीं आई? चलो इनको अस्पताल ले चलो। नहीं बाबा, हम अस्पताल जाना नहीं मांगता, हम घर जाएंगा। हाँ हाँ, हम तुमको पहुंचाएगा। आओ कम। थैंक गॉड। मम्मी, मम्मी तुम्हारा रिश्ता है। ओ मैं भी चलो जाऊँ, क्या करता? हमको देरी होगी। मम्मी तुमको मिलने को बहुत खुश होगी। अरे हमको देरी होगी। चलो। मम्मी। ओ रिश्ता, कहाँ था तुम? ओ मम्मी, तुम्हारा रीटा तो आज मरता मरता बच गया। हम तो गाड़ी का नीचे जा गया था, तो एकदम घबरा गया कि तुम्हारा प्यारा प्यारा सूरत अभी कभी देखने कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये आदमी एकदम एंजल है मम्मी। कोई और होता तो हम सीधा चर्चयार्ड में सीधा लेटा होता। ओ माय डार्लिंग, थैंक गॉड। ओ थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब हम जाता। हम तुमको ऐसा कैसे जाने को दे ना सकता। बहुत जरूरी काम। मम्मी, ये आदमी तुम्हारा बेटी का जान बचाया, इसका कुछ कातिल करो ना। It's all right, it's all right. पहली दफा तुम एंजल बनकर हमारे घर में आया, ऐसा कैसे तुमको जाने को दे सकता। हाँ। तुम्हारे लिए अभी केक लाता है। ठहरो। फजूल तकलीफ कर। प्लीज सिट डाउन। मुझे बहुत जरूरी काम है। प्लीज सिट डाउन। तुम बहुत अच्छा है। तुम भी बहुत अच्छा है। किधर का रहने वाला तुम? क्यों, इसी देश का? इसी देश का रहने वाला तुम? तब तो सचमुच इस देश में एंजल पैदा होता। तुम भी एंजल। थैंक यू। प्लीज हेल्प योरसेल्फ। बहुत अच्छा केक है। तो फिर और लो ना तुम। थैंक यू, अभी हम जाते। अब तुम कभी आएगा? हमारा मम्मी पॉम्फ्रेट का कड़ी और चावल बहुत अच्छा बनाता। अच्छा? तुम बोलो ना मम्मी, तुमको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम कब आएगा। प्रॉमिस? नो नो, इट इज इम्पॉसिबल। अच्छा, हम कोशिश करेगा, इतला करेगा। बाय बाय। बाय बाय। हम तुम्हारा नाम तो पूछने का भूल ही गया। मोंटो। मोंटो, हमारा नाम रीता। प्लीज टू हैव मेट यू रीता। प्लीज टू हैव मेट यू टू। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। रसिक बॉस। सो ये है मिस्टर लाल, जो सीक्रेट न्यूज ऑफिस के सबसे बड़े अफसर, और इन्हीं के पास वो सीक्रेट कागज आने वाले हैं जिनकी हमें जरूरत। तो ये हैं मिस्टर लाल। यस बॉस। और क्या जानते हैं उनके बारे में बॉस?
मैं इनके बारे में जब सोचता हूं तो मेरा खून उबलने लगता है। ये कमबख्त देशभक्त है जो देश के लिए अपनी जान और अपना सब कुछ निछावर कर सकता है। एंड आई हेट हिम फॉर दिस। पाप डू यू नो दिस मैन? हाँ, ये आदमी नहीं पहाड़ है जो अपनी जगह से नहीं हिलाया जा सकता। दौलत भी इसे नहीं हिला सकती? नो मंथू नो, एंड आई वॉर्न यू, तुम कभी इसके हाथ आ गया तो ये तुम्हारा गर्दन मरोड़ के रख देगा। शट अप, आई एम सॉरी बट दिस इज द ट्रुथ। बॉस? यस लिली। ये काम हम करेगा, हम इसको पागल बनाएगा। जिस तरह सांप भीम के ऊपर नाचता है ना, हम इसको ऐसा नचाएगा। फिर वो तुम्हारा गर्दन मरोड़ देगा। मंटो, बी केयरफुल। हमने सुना है कि बीन बजाने वाले का मौत हमेशा सांप से होता है। नाउ विल यू प्लीज गेट आउट? गेट आउट एवरीबॉडी। रसिक, मैं मिस्टर लाल से मिलना चाहता हूं जल्दी। मैंने मिस्टर लाल से मिलने के लिए रास्ता निकाल लिया है। यह है उनकी बेटी मधु की बर्थडे पार्टी का इनविटेशन कार्ड। आज मेरा जन्मदिन है, सभी होंगे लेकिन तुम ना होगे अशोक। मैं जानती हूँ इसमें ना मेरा कसूर है ना तुम्हारा, लेकिन लेकिन मैं जाने क्यों आज वो दिन बार बार याद आ रहा है जब मैं तुमसे बहुत नाराज हो गई थी और तुम मुझे मना रहे थे। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ की खाक मोहब्बत, कहीं तुम्हें प्यार ना हो जाए, बच बच के चलना हो जोर, कहीं तुम्हें प्यार ना हो जाए, ओ बच बच के चलना हो जोर। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ की खाक मोहब्बत, कहीं तुम्हें प्यार ना हो जाए, ओ बच बच के चलना हो जोर। उत्तर दक्षिण मेरे प्यार की सीमा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मेरे प्यार की सीमा, मेरा प्यार है इतना ऊंचा जैसे राम रहीमा, जैसे राम रहीमा। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ की खाक मोहब्बत, कहीं तुम्हें प्यार ना हो जाए, ओ बज बज के चलना हो जोर, कहीं तुम्हें प्यार ना हो जाए, तो बच बच के चलना मुझको। तुझको पाकर स्वर्ग
से सुंदर मंजिल मैंने पाली, तुझको पाकर स्वर्ग से सुंदर मंजिल मैंने पाली, तेरे प्यार में मर जाने की कसम है मैंने खाली, कसम है मैंने खाली, मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहां की खाक मोहब्बत, कहीं तुम्हें प्यार ना हो जाए, बच बच के चलना हुजूर, बच बच के चलना हुजूर, हाँ बच बच के चलना हुजूर। गुड इवनिंग मिस्टर लाल, मीट माय फ्रेंड मिस्टर मोंटो। मिस्टर लाल, प्लीज टू मीट यू मिस्टर मोंटो। द प्लेजर इज एंटायरली माइन सर। बहुत जिद करके आपकी पार्टी में आए। मैं तो आज सवेरे ही प्लेन से यूरोप जा रहा था, लेकिन आपका इनविटेशन पढ़ करके तबियत फड़क गई। बच्ची को बर्थडे प्रेजेंट्स नहीं चाहिए, बल्कि नेशनल डिफेंस फंड के लिए चंदा चाहिए। ओह व्हाट ए हीरोइक कैरेक्टर। देखिए, नेशनल डिफेंस फंड के लिए मेरा एक 5,000 रुपए का चेक हाजिर है। अपने हाथ से बच्ची को दे दीजिए। गुड। ये तो वही लड़की मालूम होती है। कौन? जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, खोला सर? नो थैंक यू। एक्सक्यूज मी, हैप्पी बर्थडे टू। ये मेरी तरफ से मामूली सी भेंट। ओह थैंक यू सो मच। मधु, पहला पीस मिस्टर मंटू को दो, जिन्होंने 5,000 रुपए का चेक तुम्हें डिफेंस फंड के लिए दिया। हाँ जरूर डैडी। बहुत बड़ा पीस है। रीटा, समझ में नहीं आता ये एक ही लड़की है या दो। इसी वक्त रीटा के घर चलना चाहिए। क्यों? अगर रीटा घर में मिल गई तो बात साफ हो जाएगी कि एक ही शक्ल की दो लड़कियां हैं। और अगर ये सच हुआ तो देवी जी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। ए, इजाजत। इतनी जल्दी? अब माफ करना, एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। अच्छा अच्छा ओके। Monto! Oh, Monto! Hello, my angel. How are you, my dream girl? Monto, हम तो घबर गया था करके, ये कौन आया? कल को मम्मी तो कभी घंटी बजाता ही नहीं। मम्मी घर में नहीं? कहाँ गया? काम से बाहर गया। ओ मैन, अच्छा हुआ तुम आ गया, हम अकेला बहुत डरता था। तुम जब हमको अच्छा दिल से याद करेगा, हम जरूर आएगा। Come on. Let's go for a drive. Oh no! No?
हमारा मतलब है मम्मी का परमिशन बिना हम तुम्हारा साथ अकेला कैसे जाने को सकता मंटो? समझा, हमसे डरता है? देखो मैं, तुम हमको ऐसा बोलेगा हम तुमसे बात करने को छोड़ देंगे। ऐसा बात? हाँ। You are nice. रीटा। हेलो मम्मी। मम्मी देखो मंटो आया, हमको ड्राइव का वास्ते ले जाना मांगता, हम जाने को सकता मम्मी? All right, but come soon. Don't worry मम्मी, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। All right darling, you may go. Thank you मम्मी. मंटो, don't you think I should change my dress? अरे ठीक तो है, beauty beautiful in any dress. Come on. 29, please. चाचा जी, मधु। ये मधु नहीं, कोई और लड़की है। तुझे तो आजकल हर लड़की मधु ही मधु नजर आती है। मैं सच कहता हूँ चाचा जी, ये मधु ही है, सिर्फ ड्रेस बदल लिया है और शायद चाल भी बदल दी है। जमाना देखकर चाल तो आजकल हर लड़की बदल देती है। अगर ये मधु होती तो एक बार तेरी तरफ मुड़कर तो देखती। चाचा जी आज वो बड़े गुस्से में, इसलिए नहीं देखा। अबे प्यार से ना सही, गुस्से से तो देखती। प्लीज चाचा जी चलिए, मेरा ख्याल है तो अपने साथ साथ मुझे भी जूते खिलवा। प्लीज चाचा जी जल्दी चलिए। अरे अरे, ये चलती फिरती जन्नत रुक कैसे गई? मोंटो, तुम ऐसा बात नहीं करने को मांगता, हमको बहुत शर्म लगता। शर्म लगता? अच्छा, जानता है एक हिंदी का कवि ने क्या बोला है? क्या बोलता? बोलता, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। ऐसा बोलता? हाँ। अच्छा। और जिसने की बेहयाई उसने खाई दूध मलाई। यस सर। बॉय चाय मांगता। सर आपके लिए क्या लाऊं? दूध मलाई? नो, टी। सर वन टी और टू टी? टू टी। नाउ यू गेट आउट फ्रॉम हियर। एक्सक्यूज मी डार्लिंग, हमारी इस जन्नत में ये लाल बंदर ना जाने कहां से टपक पड़ा। प्लीज सिट डाउन, प्लीज। अभी तो हम तुमको जी भर कर देखा भी नहीं मोंटो। हाँ। अभी तुम हमको बहुत नजर लगाने को शुरू किया, बुरा बात मोंटो। अच्छी सूरत पाना भी बुरी बात, देखने वालों की नजर लग जाती। क्या हुआ? हाथ जल गया। सर गरम गरम चाय रेडी। सर यू इडियट, नॉक करके आया करो। सॉरी सर। ओके सर। पागल, कैसा कैसा इडियट लोग इकट्ठा किया है। सर ये ट्रे कहां रखूं? मैम साहब। अरे बाप, अब आपको क्या मांगता? दो चाय और ट्रे तोड़ने का दस्तखत कर दीजिए। ए बॉय का बच्चा, तुम थोड़ा पागल तो नहीं है? ए मधु की बच्ची, ये सब क्या ढूंढ रहा है? क्या हमारा नाम रीटा है? रीटा? और उस इडियट का नाम शायद मिस्टर घटीटा है। तुम्हारा दिमाग खराब है। दिमाग खराब है? आखिर बात क्या है? क्या वो घटीटा बहुत रईस आदमी है? तुम बीच में बोलने वाला कौन होता है? मधु, ये अपने दिल से पूछो, मैं बीच में बोलने वाला कौन? मैं नहीं, मधु 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 करता, मधु करके हानि। तुम हमको हानि बोलेगा, हम तुम्हारा दांत तोड़ेंगे। और अब हम तुमको मिस्टर घसीटा के साथ कभी देखा तो तुम्हारा ये खूबसूरत नाक तोड़ देगा।
मीटर डार्लिंग। ओ मोंटो, आई होप तुम चाय से टू मच नहीं जला। चाय जैसा चीज हमको क्या जलाएगा, हम तो तुम्हारा मोहब्बत का आग में जलता है। उफ। हेलो, यतीम खाने का मैनेजर। हम इस वक्त किसी से बात करना नहीं चाहता, इस वक्त सिर्फ हम एक से बात करना चाहते हैं, सिर्फ एक को देखना चाहते हैं, सिर्फ एक की बात सुनना चाहते हैं, और चाहते हैं वो, लेकिन वो आपसे जरूर मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ना, मैं इस वक्त किसी से बात करना नहीं चाहता। ये होटल नहीं, पागलखाना है, पागलखाना। ये लोग मुझे पागल कर देंगे। लेट्स गेट आउट। डार्लिंग, वहां स्विमिंग पूल के पास म्यूजिक और डांस हो रहा है। लेट्स गो देयर। ओह, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। एंड जेंटलमैन, आज आपके सामने वेस्ट जर्मनी की हसीन जलपरियां इस स्विमिंग पूल में अपना कमाल पेश करेंगी। सुना गया है कि इन हसीन जलपरियों को एक अमेरिकन रॉकेट अभी अभी चांद से लेकर आया है, जिनको देखकर आप ऐसा महसूस करेंगे, ऐसा महसूस करेंगे जैसे सचमुच आप चांद की दुनिया में पहुंच गए हैं। ये दूर का जलवा है, हर बार नहीं होता। और हाँ, अगर कोई साहिबा इस आइटम में हिस्सा लेना चाहे तो वो खुशी से ले सकती है। थैंक यू, थैंक यू। Thank you.
जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास आ गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास आ गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास आ गले लग जा आबाद है तू मेरी धड़कनों में मेरी जान तुझ में बसी है बादल से जो आस है मोर को मेरे दिल को वो तुझसे लगी है एक तेरी मुस्कान अंगड़ाई लेती हुई मेरी तकदीर जागे एक तेरी झलकी चली आए पल में मेरी मंजिले मेरे आगे गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास आ गले लग जा मत आजमा तू मेरे प्यार को खेल मत यूं मेरी जिंदगी से उल्फत के मारो को क्या मारना जान दे देते हैं जो खुशी से ये हुस्न जिसको मिले जान जा बेदिली उसको सजती नहीं है हो खूब रू चांद से जो हंसी बेरुखी उसकी जचती नहीं है गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास आ गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास आ गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास आ गले लग जा Thank you, Monto. It was a lovely evening. Really? Thank you so much. Thank you. It was all because of you, dear. Good night. Good night. Bye-bye. कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था। कौन है? वही होटल वाला रोमियो। आओ मेरे साथ। माँ, काश तुम जिंदा होती और मैं अपने दिल का हाल तुमसे कह सकती। ओ माँ, मुझे हिम्मत दो कि मेरे कदम पीछे ना हटे। Thank you.
How do you like it? ओ मोंटो, हम सच्ची बोलता, हम कितना लकी हैं, हम तो अपना ड्रीम में भी सोचने को नहीं सकता था कि हमको तुम्हारा माफिक जेंटलमैन मिलेगा। तुम पिछला जन्म में जरूर कोई अच्छा काम किया होगा। ओह नो नो रीटा, पिछला जन्म में हमने कुछ अच्छा काम किया कि हमको तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल स्मार्ट लड़की मिला है। रीटा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो। तुम हमको प्यार करते? कितना? इतना? सच? लेकिन आज तुम हमारे साथ ऐसा बात काहे को करता? क्या बोलेगा रीटा, हमारा जान खतरे में, हमारा एक दुश्मन है। दुश्मन? कौन दुश्मन? तुम हमको बताओ, हम उसको मार डालेंगे। आई विल किल हिम। रियली? कम ऑन रीटा। ये मिस्टर लाल है, बहुत जल्द इनके पास कुछ सीक्रेट पेपर्स आने वाले हैं। वो पेपर्स मेरे लिए मेरे जान से भी ज्यादा कीमती है। अगर वो पेपर्स मुझे नहीं मिले तो मेरी जान जा सकती है। जीता, तुम चाहो तो वो पेपर्स मेरे लिए ला सकती हो और मेरी जान बच सकती है। लेकिन कैसा माउंट? हाँ, इट्स वेरी सिंपल रीटा, इट इज वेरी सिंपल। लुक, ओह मैन, ये तो हम ही थे। लेकिन मोंटो, हम ऐसा ड्रेस तो कभी नहीं पहना। नहीं, ये तुम नहीं, ये मिस्टर लाल का बेटी है मधु। बाप रे, एकदम हमारा माफिक। तुम्हारा माफिक है इसीलिए तो तुम हमारी मदद कर सकते हैं। कैसे मोंटो? देखो रीटा, तुमको बहुत ही आसानी से मिस्टर लाल के घर पहुंचा दिया जाएगा। वहां तुम मधु का खून करेगा और कुछ दिन मिस्टर लाल का बेटी बनकर रहेगा। फिर मौका पाकर वो सीक्रेट पेपर हमारे लिए लेकर आएगा। इट्स वेरी सिंपल। What's the matter? तुम खामोश क्यों? मोंटो, ओ मोंटो, हम तुमको लव करता, तुम्हारे वास्ते हम अपना जान देने को सकता, लेकिन किसी और का खून, ये हमसे कभी नहीं होने को सकता। हाँ, हाँ, तुम खून नहीं करना, फिर हमारा जान जरूर जाएगा, फिर तुम खुश होना। ओ नो मोंटो, तुम ऐसा मत बोलो। और फिर हम क्या बोलेगा रीटा डार्लिंग? रीटा डार्लिंग, हम सच बोलता, इसमें डरने का कोई बात नहीं है। तुम इस काम को जितना मुश्किल समझा ना, ये उतना मुश्किल नहीं है। ये देखो, पिस्तौल, बेजुबान, इससे कोई आवाज नहीं निकलता और ये अपना काम कर देता है। मोमबत्ती को देखो, लुक, हाउ सिंपल, ठीक है? अरे डरो नहीं, हैवी हैवी, यू विल गेट यूज्ड टू इट। हैंड्स अप मोंटो, हम तुम्हारा खून करेंगे। तुम्हारा जैसा आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं इस दुनिया में। तुम समझता तुम हमारा हाथ से बचने को सकता? Never. I will kill you. But Rita, it is loaded. Oh yes, Monto. I know it's loaded. हम तुमको हेल में पहुंचाएंगे। Don't move. इधर आओ। भागता किधर है तुम? इधर आओ। Rita, you want to kill me? Oh no. Rita, please don't kill me. Please, please. Stop. अभी आंखें बंद करो। हम बोलते हैं बंद करो। Oh, Monto, darling, how was my rehearsal? Rehearsal? Oh, it was a rehearsal. Rita, darling. You feel it. अरे बाप रे मोंटो, तुम तो कावड़ है, पक्का कावड़। कावड़ क्या? तुम ऐसा रिहर्सल फिर नहीं करना, इस हम रिहर्सल में। अच्छा। आज मैं इस घसीटे का पता लगा के रहूंगा। रोमियो शायद मेरा पीछा करेगा।
तुम उसे यहीं रोकने की कोशिश करना। ओके मोंटू। रीटा से अगर ना बन सके तो ये काम तुम पूरा कर दो। मैं? ये क्या बदतमीजी है मधु? यहां तक चला है, मैं बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचा। It's dangerous, very dangerous. बॉस, मैं कितने अरसे से कह रहा हूं कि ये रोमियो हमारे लिए खतरनाक है। माना कि वो मधु के धोखे में रीटा का पीछा कर रहा है, मगर उसका ये पागलपन हमारे सब प्लान्स बिगाड़ सकता है। अरे मैं उसे गोली मार दूंगा, मैं अपने आदमी का गर्दन मुड़ दूंगा। ओह शिट। ऐसे नाजुक मौके पर मैं किसी को खून नहीं करने दूंगा। अब हम अपने मकसद में कामयाब होने वाले। चंद दिनों की बात, वो सीक्रेट पेपर हमें मिलने ही वाले। बस सीक्रेट पेपर हमें मिले और हम चले। और इन्हीं कुछ दिनों में ये भी हो सकता है कि हम इस दुनिया से ही चले। यस बॉस, बॉस इज राइट।
अब हमें और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए. ओके ओके, ही विल बी किल्ड. बट हियर, यहां रीटा मधु बनकर जाएगी. रोमियो को यहां लाए. सेंड रीटा. इंसान की जिंदगी में इससे बड़ा खुशी का मौका और क्या हो सकता है डैडी, जब वो अपना घर, अपना प्यार, अपना सब कुछ अपने देश की मोहब्बत में दे रहा हो. लेकिन लेकिन ये मुझसे कभी नहीं हो सकेगा डैडी, कि मैं उस मोहब्बत करने वाले की जान से खेलूं, जो मेरे बदल जाने के बाद भी आज तक मेरे ही कदमों के निशान ढूंढा करता है. वो लोग अशोक को मार डालेंगे डैडी, जरूर मार डालेंगे. मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था कि तुम्हारी कुर्बानी का क्या सिला मिलेगा. हाँ, मगर ये कह दिया था कि तुम्हारे सब हक तुमसे छीन लिए जाएंगे. अभी तो खेल शुरू हुआ है, हो सकता है कि कल इसकी नौबत आ जाए कि देश को मेरी जान की जरूरत हो और तुम्हें कहा जाए कि मुझे पता ना चले, तो क्या तुम अपने फर्ज से हटकर देश को दुश्मनों के हवाले कर दोगे? तुम्हारा यह फर्ज होगा कि मुझे कहे बगैर देश की हिफाजत के लिए मेरी जान की बाजी में लगा. डैडी, तुम्हारे दुख को तुमसे ज्यादा समझने वाला तुम्हारे सामने मौजूद है, जिसके सीने पर सर रखकर तुम अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती हो, मगर मैं अपने दिल का हाल किसको बयान करूं? आज भी तुम्हारी स्वर्गवासी माता की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है. कहती थी, सुन, मैं अपने दिल के टुकड़ों को तुम्हें सौंपे जा रही हूं, पर मैं अपने दिल के टुकड़ों को देश और देश के 40 करोड़ इंसानों की सेवा में भेंट दे रहा. अगर आत्मा का आत्मा से संबंध है तो वो सुन रही होगी, तो तेरी इस कुर्बानी पे नाज करेगी. तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैंने तुम्हें वो नायाब तोहफा दिया जो आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी को नहीं दिया हो. मुझे पहले से मालूम है कि आप मुझसे ज्यादा दीदी को चाहते हैं. बताइए, क्या तोहफा दिया आपने दीदी को? लाइए, मुझे भी दीजिए वही तोहफा. दीजिए ना. अरे पगली, ऐसे तोहफे किस्मत वालों को मिला करते, तेरी मेरी किस्मत का. ये मुझे दो. अरे वाह मेरी जान बॉय, तुझको कैसे मालूम हुआ कि मेरे सर में दर्द है? बड़ा मजा आ रहा है. तेरे हाथ में तो जादू है जादू. कितनी जल्दी सर का दर्द चला गया. गरम गरम चाय गरम गरम दिमाग को ठंडक पहुंचाती है. चाय बनाऊं सरकार? मैं जानती हूं कि कोई मुझसे नाराज है और किसी को होना भी चाहिए. हम किसी से क्यों नाराज होने लगा? हम किसी का कौन लगता है? अशोक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं. अशोक, मेरा नाम तो मिस्टर डायमंड है. शायद तुम पागल हो गया.
अशोक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ और तुमको सुनना ही होगा। तुम ये अशोक अशोक क्या बकता है? अशोक का पिलर तो दिल्ली में है, फिर तुम हमको अशोक का पिलर पुकारेगा तो हम तुम्हारा दांत तोड़ देगा। देखो प्यार में खफा नहीं हो सकते। तुम हमको प्यार करता है रीता बनके, मधु बनके, या कोई तीसरा रूप भर के आया है? क्या तुम्हें मालूम हो गया कि इस होटल का मालिक मैं हूं? कहा गया तुम्हारा मिस्टर घसीटा? नाउ प्लीज गेट आउट। अशोक, मुझे समझने की कोशिश तो करो। मैं वही मधु हूं जो थी और हमेशा तुम्हारी ही मधु बनकर रहूंगी, लेकिन लेकिन चंद बातें हैं जो मैं कह नहीं सकती, समझा नहीं सकती, और जो तुम समझ भी नहीं सकते अशोक। तुम मुझे काफी पागल बना चुकी हो, अब मैं ज्यादा पागल बनने के लिए तैयार नहीं हूं। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, हो सकेगा तो मैं तुम्हारी बगैर ही चलूंगा। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती अशोक। फिर तुम्हें क्या हो गया था? क्यों मुझसे अलग हो गई थी? मोहब्बत में क्या और क्यों कर नहीं पूछा करती? क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर भरोसा नहीं? जवाब दो, क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर बिल्कुल भरोसा नहीं? ओ अशोक, नहीं भी है तो हाँ कर दो, अगर हाँ कर दोगे तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी। हसीन आंखों में जब पछतावे के आंसू आते हैं तो खूबसूरती और बढ़ जाती है। यकीन नहीं आया तब भी यकीन करना पड़ता है। झूठे कहेंगे, झूठ बोलो तो झूठा कहते हैं, सच बोलो तब भी झूठा कहते हैं। मोहब्बत करने वालों की कजा यूं भी है और यूं भी। अशोक, किस्मत ने हमें जिंदगी के दौराहे पर लाकर छोड़ दिया है। कुछ समझ में नहीं आता कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। मधु, तुम जहां भी चलो मैं तुम्हारे साथ हूं। आज मेरी जिंदगी का सबसे मुबारक दिन है, मैंने तुम्हें फिर से पा लिया है। चलो मैं चलने के लिए तैयार हूं, जहां तुम्हारा दिल ले जाए, जहां मेरा कातिल ले जाए। मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहाँ की खाक मोहब्बत, कहीं तुम्हें प्यार ना हो जाए, बच बच के चलना हुजूर, कहीं तुम्हें प्यार ना हो जाए, बच बच गजल ना हुजूर। ओके ओके, ही विल बी किल्ड। कहीं तुम्हें प्यार ना हो जाए। मधु, क्या बात है मधु? मधु, 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 तुम रो रही हो मधु, तुमको तो खुश होना चाहिए कि तुमने अपने अशोक के लिए ऐसी हसीन मौत चुनी है जो आज तक दुनिया की किसी लड़की ने नहीं चुनी होगी। मुझे नाज है कि मैं उस वतन की मिट्टी पर कुर्बान हो जाऊंगा जिस पवित्र मिट्टी से तुम जैसी देवी ने जन्म लिया। कितना सच कहते हैं दुनिया वाले कि भगवान को इंसान ने इंसान के जरिए ही पहचाना है। जानती हो मधु, मैं अभी अभी ख्वाब सा दिख रहा था
जैसे मेरी और तुम्हारी शादी हो रही है और भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। सच? सच। ओ अशोक, क्यों ना हम इस ख्वाब को हकीकत बना दें? हमारी शादी होगी, अभी होगी, और भगवान हमें जरूर आशीर्वाद देंगे। क्या कह रही हो तुम? क्या तुम ऐसे आदमी से शादी करना चाहती हो जो सिर्फ कुछ घड़ियों का मेहमान हो? तुम इसे यूं क्यों नहीं समझते अशोक कि भगवान ने मुझे इन्हीं चंद घड़ियों के लिए जन्म दिया है? क्या तुम्हारे बाद मैं किसी और से शादी कर सकती हूँ? क्या मेरे लिए कोई और खुशी हो सकती है अशोक? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे नाम के साथ साथ जिंदा रहूं और मरूं भी तो तुम्हारा ही नाम लेकर अशोक, तुम्हारा ही नाम लेकर। लेकिन मधु। चलो अशोक, चलो मेरे साथ। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं है, कहीं भी रहूं मेरा दिल तो यही है। तुझे भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं है, कहीं भी रहूं मेरा दिल तो यही है। घटे चांद लेकिन मुझे गम ना होगा, तेरा प्यार दिल से कभी कम ना होगा। गुजरने को ये दिन गुजरते रहेंगे के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। मरते रहेंगे। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। हसी
करते रहेंगे कि दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे तेरा नाम ले ले किसी के रहेंगे तेरा नाम ले ले के मरते रहेंगे तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे अगर मर गया रूह आया करेगी तुझे देख कर गीत गाया करेगी अगर मर गया रूह आया करेगी तुझे देख कर गीत गाया करेगी मुझे देख कर तुम न आंसू बहाना बस इतनी गुजारिश है तुम मुस्कुराना तेरे प्यार में रंग भरते रहेंगे के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे मरते रहेंगे तुझे प्यार करते ही करते रहेंगे के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे तुझे प्यार करते ही करते रहेंगे के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे मधु तुम मुझे धोखा देकर लाई हो रोमियो ये बात ये कांटा भी रास्ते से निकल ही गया थैंक यू वेरी मच रीटा डार्लिंग अब एक आखिरी काम बाकी आज वो पेपर्स आने वाले हैं जिनका हमें अरसे से इंतजार था मिस्टर लाल उन पेपर्स को लेने एयरपोर्ट पर जाएंगे तुम मधु बनकर उनसे मिलोगी उनके साथ ऑफिस जाओगी उनका खून करोगी और वो पेपर्स लेकर यहां आओगी क्लियर ओके बस All the best. कृपा करके ध्यान दीजिए इंडियन एयरलाइंस का दिल्ली से आने वाला हवाई जहाज अब यहाँ पहुंच चुका है नमस्ते धन्यवाद थैंक यू वेरी मच बेस्ट ऑफ लक थैंक यू आईनी हमारे सारे प्लान्स कामयाब होते नजर आ रहे हैं मैं खुशी से पागल हो जाता हूं जब सोचता हूं कि ये झूठे पेपर जब दुश्मन तक पहुंचेंगे तो यकीनन उनकी तबाही और हमारी जीत होगी लाल हेयर बैड न्यूज दुश्मनों को मालूम हो गया है कि मधु और रीटा दोनों एक ही लड़की का नाम है
तो फिर हमारे सब प्लान गलत हो गए। अब ये झूठे पेपर्स हम दुश्मन तक कैसे पहुंचाएंगे डैडी? मधु तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे भरोसे बैठे रहेंगे? हरगिज नहीं, वो पेपर हासिल करने खुद आएंगे, इसलिए कि उनको पेपर के बारे में बाहर से खबर मिली है, तुमने नहीं भेजी। लेकिन डैडी हो सकता है कि अब वो इन पेपर्स को झूठा समझे। हो सकता है, झूठे पेपर को सच साबित करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे अपनी जान देनी होगी। क्यों डैडी? मधु, जब तक इन पेपर की रक्षा करते हुए मेरी जान नहीं जाएगी, दुश्मन को कभी यकीन नहीं आएगा कि ये पेपर सच्चे। घबराने की बात नहीं है मिस्टर लाल, ये सब अपने ही आदमी है। लाइए, हमारी अमानत हमें दे दीजिए। हरगिज नहीं, जान जा सकती है लेकिन ये पेपर दुश्मन के हाथ में नहीं जा सकता। तो फिर ये जान जरूर जाएगी। वैसे ये तो बहुत काम के आदमी है, अभी तो इन पेपर्स के साथ हमें इनसे बहुत सी जरूरी खबरें हासिल करनी। क्यों मिस्टर लाल? तुमने मुझे नहीं पहचाना मिस्टर मंटू, तुम कुछ भी कर लो, मुल्क के खिलाफ मेरी जबान से एक लफ्ज नहीं निकलेगा। बहुत से देशभक्त आए और चले गए, हमने सबको बुलवाया। जानते हो किस तरह गूंगी जबानों पर चलते हुए अंगारे रख दिए जाते, दिल की गहराइयों में जहरीले नस्तर चुभो दिए जाते। और भी बहुत से तरीके, फिर हम जो कुछ भी पूछते हैं जबान खुद ब खुद बता देगी। अरे अरे, तुम क्यों घबराते? आई एम नॉट गोइंग टू किल यू, हम तो तुमको प्यार करेगा। अभी नहीं, शादी के बाद। एकदम मंजू, तुम दौलत के लिए देश को बेच रहे हो, दौलत कभी किसी की नहीं हुई, प्लीज अपने देश को मत भेजो। मिस्टर लाल, आज जो लाखों लोग भूख, बेकारी, गरीबी और बीमारी से तड़प रहे हैं, उसके लिए आपका देश क्या कर रहा है? मंटू, घर पर बड़े बड़े वक्त आते हैं और गुजर जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उस घर को बेच दिया जाए, उस घर की इज्जत को बेच दिया जाए या उसका नामो निशान मिटा दिया जाए। दौलत पास में हो तो हजारों नए घर बनाए जा सकते हैं, हजारों नए घर खरीदे जा सकते हैं, लेकिन वतन न खरीदा जा सकता है और न बेचा जा सकता। तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते मंटू, ऐसी भारत माता ने तुम्हारे शरीर को जन्म दिया और दुनिया में कमीने से कमीना इंसान दौलत तो क्या किसी कीमत पर भी अपनी मां को नहीं बेच सकता, अपनी मां को नहीं बेच सकता। ऑल मैटर फिनिश्ड, नाउ यू एक्ट क्विकली, हमला फौरन हो, ओवर। हेलो देशभक्त, सब न्यूज सरहद के पार पहुंचा दी गई, अब चंद ही मिनटों में तुम्हारा मुल्क जिस पर तुम बेहद नाश करते हो खत्म कर दिया जाएगा। बहुत सा पैसा मेरे नाम
जमा करवा दिया गया। अब तो तुम्हें खुश होकर अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कर दे। बॉस, आपने न्यूज ट्रांसमिट कर दी? Yes. तब तो गजब हो गया। अभी अभी हेडक्वार्टर से खबर आई है कि न्यूज बिल्कुल गलत है, हमें धोखा दिया गया। What? आप फौरन ट्रांसमिट कीजिए कि इस पर एक्शन ना लिया जाए। स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, तुम लोग जल्दी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के चले आओ। यस सर। Thank you.
देश में आग लगाने वालों को खबरदार कर दो कि जिस भगवान ने आग पैदा की है वो हवाओं के रुख भी बदल सकता है। हमारे मुल्क की गलत खबरें पहुंचने के बाद वो देखो आज दुश्मनों को अपनी लगाई हुई आग में खुद ही जलना पड़ रहा है। हजारों बार हमने देखे हैं तेवर जमाने के, हजारों ढंग ढूंढे दुश्मनों ने आजमाने के। कदम आगे न रखना, मशवरा बेलाग है साथी, वतन का जर्रा जर्रा एक दहकती आग है साथी। अप्रैल बनाया तो उनको गुस्सा आया, ओ मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने दस्तूर बनाया अप्रैल बनाया।